हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी चल रहा है बिहार सर्विस का यह तीसरा ब्लॉग है और आज हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए वैशाली। तो रेडी वेडी हो चुके हुए हैं और थोड़ी देर में मिलेंगे अपने बाइक से, इसलिए सफर कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं वैशाली में। तो अभी हम लोग मुजफ्फरपुर शहर से निकल रहे हैं और अभी जो क्रॉस कर रहे हैं ये भगवानपुर चौक है और हम लोग जो कंटिन्यू करने वाले हैं जिस हाईवे से वो NH 722 है। तो लगभग भगवानपुर से वैशाली की डिस्टेंस 40 मिनट के आसपास है, 1 घंटे के आसपास हम लोग को लगेगा जाने में, इसलिए सफर कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं। तो अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जिला खत्म करके वैशाली जिला में एंट्री कर रहे हैं। ये जो आप सामने छोटी वाली पुल देख रहे हो, ये नहर है, यहीं से वैशाली जिला शुरू हो जाता है और हम लोग अभी वैशाली जिला में आ चुके हैं और यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वैशाली स्तूप है। और चलिए चलते हैं, सब कंटिन्यू करते हैं आगे और मिलते हैं। तो हम लोग भगवान महावीर की जन्म स्थल भूमि पे आ चुके हैं और यहाँ से वासुकूट 3 किलोमीटर है और जैन मंदिर और शांति स्तूप की दूरी 6 किलोमीटर है। तो चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं। और अब हम लोग यहाँ से भगवान महावीर की जन्मभूमि का जो ये गेट बना हुआ है यहाँ से अंदर एंटर कर रहे हैं। ये हम लोग भगवान महावीर की जन्मभूमि जहाँ पे उनका जन्म हुआ था बर्थ प्लेस वहाँ आ चुके हैं। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम लोग महावीर की जन्मभूमि उनका जन्म हुआ था वहीं आए हैं। ये अभी मंदिर बन रहा है, पूरा मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई थोड़ा बहुत काम इसमें बचा हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं, घूमते हैं और क्या क्या इसके बारे में बताते हैं। ये जन्मभूमि स्थल पर ये यात्री निवास मतलब जस्ट लाइक गवर्नमेंट की तरफ से होटल टाइप का बना के रखा गया है, जो यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आते हैं उनके स्टे करने के लिए या फिर कहीं इंडिया से भी कोई आते हैं तो उनके स्टे करने के लिए यहाँ पे सारा व्यवस्था है। बगल में रेस्टोरेंट भी है, तो ये सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। और अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, अंदर का भी दर्शन करते हैं क्या है, क्या क्या बना है अभी नया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मंदिर के अंदर कुछ काम बचा हुआ है तो वही काम चल रहा है। और ये जो आप स्टैचू देख रहे हो ये भगवान महावीर की स्टैचू है। तो हम लोग अब महावीर की जन्मभूमि से निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ से निकल कर अब हम लोग जा रहे हैं स्तूप घूमने के लिए। उसके बाद अशोक स्तंभ चलेंगे, म्यूजियम चलेंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को स्तूप। हम लोग यहाँ जन्मभूमि से निकल कर अब स्तूप के लिए जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 10 मिनट के आसपास सकता है, 2 से 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है यहाँ से डिस्टेंस स्तूप का। और ये वैशाली गाँव है और ये जो महावीर का जन्मभूमि है ये गांव का नाम है वासुकुंड, वैशाली जिला में वासुकुंड गांव है, वहीं से ये मंदिर है जहाँ से हम लोग घूम कर आ रहे हैं। हम लोग अब जैन मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं, मतलब मेन गेट ये बना हुआ है और यहाँ से 200 मीटर आगे जैन मंदिर और शांति स्तूप और वैशाली म्यूजियम लोग विश्व शांति स्तूप के कैंपस में और गैलरी बोल लो आप,
में घूम रहे हैं और ये यहाँ पे बना हुआ है। क्या क्या कब कैसे हुआ उसके बारे में, विश्व स्तूप की ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और उसका गुंबज कितना बड़ा है, ये सब के बारे में इसमें डिटेल लिखा हुआ है। तो अब चलिए चलते हैं विश्व स्तूप के ऊपर, घूमते हैं और आप लोग को भी दिखाता हूँ। हम लोग अब शांति स्तूप घूम लिए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से जाएंगे जो राजा का पहले किला हुआ करता था, जो अब मिट्टी के अंदर धंस चुका है, बट आज भी उसका कुछ न कुछ अस्तित्व या जो भी बोल लो आप, वो अभी भी अवेलेबल है। तो वहाँ चलेंगे और वहाँ से फिर चलेंगे अशोक स्तंभ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वैशाली का जो पार्ट बच गया है वो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में उसको लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। आई